हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मेरे सभी यूट्यूबर्स को, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, मेरे सभी फैमिली यूट्यूब फैमिली मेंबर्स को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जयकारा शेरावाली दा बोल सांचे दरबार की जय। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपने घर में कंजक कब बुलाएँ, कैसे खिलाएं, कैसे उनका स्वागत करें, इसका क्या एकदम सही तरीका है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, जब मैं छोटी थी ना, मतलब जब मैं कुंवारी थी, तो तभी से ही मेरा बहुत मन करता था कन्या खिलाने का, क्योंकि मैं जब खुद कन्या खाने जाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। फिर मैं जब खुद कन्या खिलाने के योग्य हुई तो फिर मैंने खिलाना शुरू किया। और मुझे नवरात्रि में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है कि मैं कन्याओं को बुला के उनकी सेवा करूँ, उन्हें गिफ्ट्स दूँ, उनको अच्छा अच्छा भोजन कराऊँ, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। पर जब कुंवारे थे तो भी मम्मी का सपोर्ट रहता था, लेकिन शादी के बाद से एकदम अकेले करती हूँ। हस्बैंड 9 दिन का व्रत रहते हैं, मैं नहीं रहती हूँ, क्योंकि पहले बीच में मुझे अपनी बेटी को फीड कराना रहता था और साथ ही साथ मैं बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मैं नहीं रहती हूँ नवरात्रि का व्रत। उसके लिए माता रानी से क्षमा है। लेकिन मैं डेली की पूजा सुबह शाम की, लौंग कपूर जलाना, दिया बाती करना, सब कुछ मैं नियम से प्रॉपरली करती हूँ और पति की पूजा में पूरा सहयोग करती हूँ। हस्बैंड व्रत नहीं रहते तो मैं अकेले रह भी लेती, पर हस्बैंड रहते हैं तो फिर मैं थोड़ा अपने आप को मजबूत रखती हूँ कि बच्चे को भी देखना होता है, घर की तमाम सारी चीज़ें करनी होती हैं, तो इस वजह से मैं खुद व्रत नहीं रखती। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ कि कंजकों को कैसे आप उनको बुलाएं, कैसे उनकी सेवा करें, कैसे पूजा पाठ में आपको कंजकें खिलानी है, क्या सही तरीका है। तो मैं आज आप लोगों को ये सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि लोग क्या करते हैं कि जब कन्या उन्हें खिलानी होती है, तो जैसे कि आज उन्हें कन्या खिलानी है तो वो सुबह सुबह जाके दरवाज़ा पीटेंगे, बोलेंगे हाँ हाँ कन्या खाने आ जाना, कन्या खाने आ जाना। और या फिर कन्याओं का ग्रुप जा रहा होगा, अरे सुनो 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 मेरे यहाँ खा लो, आके मेरे यहाँ खा लो। ऐसे नहीं, ऐसे आप प्लीज़ मत करिए। देखिए, पूजा पाठ एक ऐसी चीज़ होती है जो भावना का खेल होता है। जितनी गहरी, जितनी शिद्दत आप रखेंगे, जितनी गहराई से आप भगवान को भजेंगे, या आप जैसे कि हम लोग कोई पूजा करते हैं, चाहे श्राद्ध हो, चाहे कोई मंगल काम हो, कोई भी पूजा हम करते हैं तो हम ब्राह्मण को खिलाते हैं, तो ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं, अरे पंडित जी, इस टाइप से नहीं ट्रीट करिए। ब्राह्मण को श्री हरि विष्णु जी का रूप समझ के आप ट्रीट करेंगे, तब आपकी वैल्यू है। उनको श्री हरि विष्णु का रूप समझिए धरती पर, कि वो आए हैं आपके घर में। तो भगवान आपके घर आएंगे तो आप कैसे बोलेंगे, अरे पंडित जी आपकी तो बड़ी दावतें चल रही हैं आजकल, आजकल तो रोज़ श्राद्ध में आपकी पार्टी हो रही है। इस तरह मत ट्रीट करिए। साथ ही साथ कन्या खिलाते हैं, अरे बेटा सुनो मेरे यहाँ आ जाना, अरे सुनो सुनो उनके घर बाद में जाना, पहले मेरे यहाँ खा लो आके। ऐसे नहीं, आपको कम से कम 9, ज़्यादा से ज़्यादा 11 और इससे ज़्यादा भी अगर आ जाएं कन्या, उन सभी कन्याओं को पहले तो आपको 9 और 11 को उनके घर जाके एक दिन पहले नौमी के दिन कंजकें खिलानी चाहिए। नौमी के दिन कन्या खिलाने के लिए आप अष्टमी के रात में जाके, शाम को रात में आप जाके उनके घर पे बोलिए उनसे, उनके पेरेंट्स से, कि भाई कल हमारे यहाँ कंजकें खिलाई जाएंगी, तो कन्या पूजन में आप अपनी बेटी को भेज दीजिएगा, या बेटा आप हमारे यहाँ कन्या खाने कल इतने बजे आ जाना। समय दीजिए आप तब जब आप पूजा कर चुके हों अपने घर की सुबह की। जेंट्स लेडीज़ दोनों के लिए मैं कह रही हूँ कि आप अपने घर की सुबह की पूजा जब कर चुकी हों तब उसके बाद का समय आप दें, और सुबह जल्दी उठ के अपने घर की धुलाई सफाई कर लीजिए, उनके बैठने की व्यवस्था बना लीजिए, उनको जो भी उनकी आवभगत में सामान लगेगा उसे आप एकत्रित कर लीजिए, इकट्ठा कर लीजिए। और उसके बाद जो भी हैं जिनका व्रत है 9 दिन का, वो पूजा से जब फ्री हो और आप भोग का सारा सामान जब बना लें, तब आप कन्या को बुलाइए। कन्या को उस दिन माता रानी का रूप समझ के अपने घर में बुलाइए। कन्याओं के साथ लंगूर का होना अति आवश्यक है, एक लंगूर एक भैरव बाबा, यानी कि 2 लड़कों का होना ज़रूरी है, बेटों का, पुत्र का, और 9 कन्याओं का और 11 कन्याओं का होना ज़रूरी है। 9 और 11 तो हों ही,
उससे ज़्यादा हो जाती हैं। अगर कभी कभी किसी के साथ कोई और बच्ची आ जाती है और आपको नहीं पता होता है, आपने तो 9 या 11 को कहा होता है, लेकिन संग साथ में ग्रुप में आ जाती हैं बच्चियाँ, तो उन्हें मना ना करें, उन्हें नकारें नहीं। कम से कम 15 गिफ्ट लेकर आप रखें ही रखें। देखिए, बच जाएंगे आपके काम आ जाएंगे, नहीं बचते हैं, कम पड़ जाते हैं, तो आप दक्षिणा दें। लेकिन किसी को भी आपको खाली हाथ या बिना खिलाए नहीं भेजना है कि आपने 9 को बुलाया था तो आप 9 को ही खिलाइए, आपने 9 का ही अरेंजमेंट किया है, नहीं। बहुत सौभाग्य की बात होती है कि आपने 9 को बुलाया, आपके घर में 15 कन्या आ गई, ये बहुत सौभाग्य की बात होती है। नहीं तो आज के ज़माने में 9 भी आना बड़ा मुश्किल है। कोरोना का टाइम है तो आप भी साफ़ सफाई का ध्यान रखें। कोई अगर दिल से भेजना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो आप साफ़ सफाई से बना के अच्छे से पैक करके उनके घर पे पहुंचा दें। ये मैं कोरोना की बात कर रही हूँ। नहीं तो सबसे उत्तम है आप अपने घर पे कन्याओं को बुलाएं। अब आप अपने घर पे कन्याओं को कैसे बुलाएंगे, कैसे भोजन कराएंगे, तो उसका भी एक तरीका है। तो आपने सारा भोजन व्यवस्थित तरीके से बना करके रख लिया, सबको अच्छे से ढक के रख लीजिए। जब आपके घर में जो भी 9 दिन का व्रत हैं, आप हैं या आपके पति हैं, जो भी कोई है, आपकी सासू माँ है, कोई भी है, वो जब पूजन कर लें डेली का, डेली जो माता के पूजन में आप करती हैं हवन वगैरह वो सब आप कर लें, उसके बाद एक थाली आप निकालें माता रानी की। माता रानी की थाली में सब चीज़ होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, उस दिन हलवा चना बनेगा या पूड़ी आलू बनेगा, जो भी बनेगा वो बिना लहसुन प्याज के बनेगा और मीठा वगैरह रहेगा। उसी दिन आपको नारियल फोड़ना है। नारियल फोड़ के वो गरी के टुकड़े आपको काट लेने हैं। तो सभी कन्याओं को आपने बुलाया, माता का भोग निकल चुका है, कन्याएं आईं, आपने क्या करना है, अपने गेट पर ही एक बाल्टी और मग्गा रख लेना है और उनके पैरों को अपने हाथों से, जैसे ये उनके पैर हैं, तो अपने सीधे हाथ से उनके पैरों पे पानी डाल के ऐसे करके धोना है। और आप अगर कोई आंचल ओढ़े हुए हैं, मतलब अपना आंचल हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो आंचल, तौलिया, कुछ भी गमछा वगैरह आप लेके उन्हें प्यार से पोंछें, ठीक है। गीले गीले पैर तो बैठाएंगे नहीं, जब हम गीले पैर नहीं बैठ सकते तो वो कैसे बैठेंगे, माता रानी कैसे बैठेंगी। तो ये समझ के लंगूर के साथ भी आपको ऐसे ही करना है और कन्याओं के साथ भी आपको ऐसे ही करना है और भैरव बाबा के साथ भी ऐसे ही करना है। तो आपको पैर धुलाना है, पैर को पोछना है, उसके बाद आपको उन सबसे कहना है आइए बैठिए, यानी कि आसन ग्रहण कराना है। जब वो सब बैठ जाएंगे तो आपको रोली कुमकुम उनके माथे पे लगाना है, ऐसे टीका लगा सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, अक्षत लगाना है, आप चाहें तो थोड़ा सा तेल बालों में लगा सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा इत्र लगा सकते हैं, आप चाहें तो उनके हाथों में मौली बांधें, आप उनको कुछ मीठा अपने हाथ से खिलाएं, आप उनके पैर छुएं, आप उनको जो भी भोग है वो सबको अच्छे से लगा के खिलाएं। आप डिस्पोजल में भी खिला सकते हैं, आप पत्तल में भी खिला सकते हैं, आप स्टील की प्लेट्स में भी खिला सकते हैं, तो तरह तरह से जैसी आपकी इच्छा हो आप उसमें उनको खिलाएं। खिलाते वक्त उन लोगों से बोलिए कि सब लोग अपनी अपनी प्लेट से एक एक पहला टुकड़ा जो है साइड कर दें, तो वो सभी बच्चे जो होंगे वो एक एक कौर, एक एक निवाला अपना साइड कर देंगे। उसे आपको संभाल के रख लेना है। उसके बाद आपने सबको इस तरीके से कर दिया स्वागत, सब लोग अपना अपना अच्छे से खा लें। फिर होता क्या है कि बच्चे पूरा नहीं खा पाते, क्योंकि उनको कई जगह दिन भर में खाना रहता है, नहीं मन करता है उनका इतना खाने का। तो आपको क्या करना है कि वो खाना अपने घर संभाल के ले जाएं, वेस्ट ना हो, बर्बाद ना हो। उसके लिए आपको प्रॉपर अरेंजमेंट करना है, उसे पैक करके दीजिए। ये नहीं कि खुला लेके जा रहे हैं, खीर कहीं जा रही है, मिठाई कहीं जा रही है, सब्जी कहीं जा रही है, गिर रहा है, बेमन से वो अपने घर में फेंक देंगे जाके, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। और इन सबको ये खाना खिलाने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने माता के लिए थाली निकाली थी वो सब्जी, सब्जी में हलवा, हलवे में खीर, खीर में मिठाई, मिठाई में सबको आपको मिला देना है, जिससे कि वो पूरा भोग बन जाएगा और फिर आपको खिला देना है। और उनसे जो आपने एक निवाला लिया है उसे आप किनारे रख देंगे। मैं बताऊंगी इसका आपको क्या करना है। फिर आप ये ध्यान रखें कि आप पूड़ी, सब्जी, मिठाई, मिठाई भी हो सकती है, खीर भी हो सकती है, फल, नारियल ज़रूर होना चाहिए उनके भोज में, उनके भोजन में, ये पानी वगैरह अच्छे से आप ना रखिए। फिर उसके बाद आपको उन्हें कोई ना कोई गिफ्ट ज़रूर देना है, जैसे कि आप पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, आप श्रृंगार का सामान दे सकते हैं, हेयर बैंड दे सकते हैं, पेन दे सकते हैं, पेन सेट दे सकते हैं, और पिचकारी दे सकते हैं, डॉल्स दे सकते हैं, किचन सेट दे सकते हैं, डॉक्टर सेट दे सकते हैं, मतलब छोटे मोटे से जो
थोड़े कम बजट के हों आपके, 10-15 आप ले लीजिए। हैंकी वगैरह दे सकते हैं, प्लेट कटोरी ग्लास भी दे सकते हैं, पानी पीने वाली बॉटल दे सकते हैं, लंच बॉक्स दे सकते हैं, पेंसिल बॉक्स दे सकते हैं, तमाम सारी चीज़ें दे सकते हैं। लेकिन इसके साथ दक्षिणा होना बहुत ज़रूरी है। 11 दीजिए, 5 रुपये दीजिए, 21 दीजिए, जैसी आपकी क्षमता हो, 51, 101, जैसे भी आप दे सकें तो आप उस हिसाब से वो पैसे दीजिए। और जिनके लिए गिफ्ट अगर नहीं भी बचा है तो कोशिश कीजिए कि एक जैसा गिफ्ट लें, वो सब लड़े नहीं, उनका मन को ठेस ना पहुँचे कि इसको अच्छा मिला हमें ख़राब मिला। तो आप एक जैसा गिफ्ट लें और सबको गिफ्ट दें, और सबको जो है दक्षिणा दें, सबको प्रसाद में नारियल ज़रूर दें। तो जब सब ने अपना भोजन कर लिया, गिफ्ट ले लिया, दक्षिणा आपने दे दी सब करे, तो जाते वक्त उनके पैर ज़रूर छुएं। सबके पैर आपको छूने हैं आसन से उठने से पहले। जब आप सबके पैर छुएं तो आप उनसे बोलें कि हमारे पीठ पे इस तरह से थपकी दे के आशीर्वाद दो। उससे क्या होता है, आपकी पूरे व्रतों में, 9 दिन के व्रत में कोई भी आपसे भूल चूक हुई होगी तो माता वहीं उसे ख़त्म कर देंगी, आपके पापों का वहीं नाश हो जाएगा। तो इसलिए उनसे बोलें थपकी दे के आपको आशीर्वाद दें। उसके बाद जब वो सब उठ के जाने लगें तो उनको एकदम ना जाने दें। अपने आसन से उठने के बाद आपको उन सभी 10, 11, 15, 9 जितनी भी कन्या और लंगूर और भैरव बाबा आपके घर में आए हैं, बच्चे जो भी आए हैं, उन सबको इकट्ठा कर लें और उन सबको बीचों बीच में इकट्ठा कर लें और उनके बाद परिक्रमा करें। ठीक है, आपको परिक्रमा करनी है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज आप 3 परिक्रमा कर लें। एक लोटे में जल रख लें, जल की धारा जैसे हम लोग आचमन करते हैं ना आरती का, वैसे 3 बार ऐसे करके आप उनके चारों तरफ डालें और 3 परिक्रमा कर लें और सबके पैर छू लें और सबसे कहिएगा कि माँ मेरे घर फिर से आना, और बस आप उनको विदा करें अच्छे से। तो इस तरह से आप कंजकें पूज सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि पूरे YouTube पे आपको कंजक पूजने की इससे बेहतर जानकारी कहीं मिली होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो, आपके काम आए, तो इसको औरों के साथ भी शेयर करें जिससे कि वो सब भी इसका लाभ उठा सकें। लोगों को बोले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अगर आप नहीं शेयर कर सकते हैं तो, और आप भी मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि नवरात्रि से जुड़ी ढेरों जानकारियां मैं आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन हिट कीजिएगा रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे नवरात्रि से जुड़ी किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय माता।